नमस्कार, हरियाणा की सुबह की 10 बड़ी फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप हमें कहां से दिख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा, और हां, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। बीजेपी सांसद पूर्व मंत्री में बड़ी तकरार, ग्रोवर बोले देश को मूर्ख चला रहे हैं अरविंद कवार। हरियाणा में रोहतक में बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बीच तकरार बढ़ गई है। ग्रोवर भी अब मूर्ख वाले बयान पर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने गुरुवार को डॉक्टर शर्मा के बयान के जवाब में कहा कि इस देश को मूर्ख चला रहे हैं और मैं चला रहा हूँ रोहतक को। इससे पहले रविवार को पहरावर में सांसद ने भारी सभा में कहा था कि उन्होंने उस मूर्ख मनीष ग्रोवर को पक्ष लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली मीटिंग निकाय चुनाव पार्टी सिंपल पलटने को लेकर नहीं हुआ फैसला। हरियाणा कांग्रेस की बैठक आज दिल्ली में हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में शाम को हुई। बैठक में नगर निकाय चुनाव सिंबल पलटने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। बैठक में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजय भान, चारों कार्यकारी प्रधान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी विधायक शामिल हुए, परंतु कुलदीप बिश्नोई और कुमारी सैलजा नहीं आए। करीब 2 घंटे चली मीटिंग में नगर निकाय चुनाव सिंबल पलटने पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद अब दोबारा मीटिंग भी बुलाई जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद विवेक बंसल ने कहा कि कमेटी का गठन किया जाएगा। कैदी चलाएंगे हरियाणा में पेट्रोल पंप, जेल मंत्री बोले प्रदेश में 11 जगहों पर खोलेंगे फिलिंग स्टेशन। हरियाणा सरकार जेल सुधार की दिशा में नई पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में 11 स्थानों पर जेल की जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका संचालन कैदी करेंगे। इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र में जेल फिलिंग स्टेशन खोलकर की जा रही है। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने गुरुवार को ये जानकारी दी। चौटाला की सजा का ऐलान आज, कोर्ट ने रखा सुरक्षित फैसला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत यानी आज शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सजा सुनाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। पूर्व सीएम ओपी चौटाला खुद व्हील चेयर पर कोर्ट में पहुंचे। सुबह चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी कि उनकी उम्र 87 साल हो गई है। पंचायत विभाग ने मांगा 2 साल की खरीद का ब्यौरा। हरियाणा पंचायत विभाग ने प्रदेश के सभी DDPO, BDPO, जिला परिषद के CEO से पहले 2 साल का रिकॉर्ड मांगा है। पंचायत विभाग ने दविंदर बबली का हवाला देते हुए कहा है कि 2020-2021 में खरीद की गई, उसे एक परफॉर्मा में भरकर 2 दिन के भीतर भेजा जाए। परफॉर्मा में ब्लॉक नंबर, विलेज, आइटम, मात्रा, तिथि, खरीद की प्रक्रिया, ई टेंडरिंग, अप्रूव सोर्स, स्कीम्स, राशि, फर्म का नाम मांगा गया है। ये पत्र 25 मई को जारी किया गया। हरियाणा में दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय। इसी साल भारत के मैदानी राज्य में राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली में 5 अप्रैल की भीषण गर्मी, लू और मई की अधिक बारिश ने तो पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वर्तमान में 25 मई से 2 जून का नौपता भी चौंकाएगा, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर है। 26 मई को नौतपा का दूसरा दिन, परंतु मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। चौधरी के लिए दुष्यंत चौटाला और मंत्री कमलेश के समर्थकों में चले ईंट पत्थर। कलायत के गांव जुलानीखेड़ा में सरपंच चुनाव के शंखनाद से पहले 2 भावी उम्मीदवारों के बीच बुधवार रात्रि आपसी लड़ाई का बिगुल बज गया। अनुसार संभावित चुनाव में मतों के भुगतान को लेकर गांव में वाल्मीकि समुदाय के लोगों के बीच में तूतू में 2 दिन से चल रही थी। इसी समुदाय में अपना अपना वजूद कायम रखने के लिए भावी उम्मीदवारों के समर्थक विवाद को शांत करने पहुंची। स्थिति में उस नया मोड़ ले गई जब शांत कराने आए दोनों पक्षों के बीच जंग शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों को रोडवेज बसों में हरियाणा से बाहर जाने पर देना होगा किराया। हरियाणा पुलिस के जवानों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर प्रदेश से बाहर जाने पर किराया देना होगा। पुलिसकर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। अम्बाला के साथ ही कुछ अन्य रोडवेज महाप्रबंधकों ने परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल हरियाणा की टॉप 10 बड़ी खबरों में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।